भक्तिमती माताएं भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण करते हैं। भगवान की कृपा जीव पर कब होती है? श्राप के कारण से असुर बना हुआ वृत्रासुर इंद्र के द्वारा वज्र से कट जाने पर उसे भगवान का स्मरण आता है। रणभूमि के मध्य में खड़ा होकर के भगवान की स्तुति करने की कोशिश करता है। अहम हरे तब पादैक मूल दासान दास भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुपते संसार में आऊं तो आपके दासों के दास बन जाऊं। हे नारायण, हो सकता मैं स्वयं दास बन करके आऊं तो मेरे से सेवा में कोई अपराध हो, कहीं मेरे भाव में विकार आ जाए, इसलिए मैं सेवक के आपके जो सेवक हैं उनके दासों के भी दास बनना चाहता हूं। आपके दासों के भी अनुदास बनना चाहता हूं ताकि मेरे द्वारा दोबारा से कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो। और मैं जहां भी जाऊं हे सुपते वाणी से आपका कीर्तन करता रहूं, आपका कीर्तन करता रहूंगा तो आपसे प्रेम बना रहेगा, आपसे प्रेम बना रहेगा तो भगवान से जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं वो जीवों से भी प्रेम करते हैं, उनसे फिर अपराध संभव नहीं है। मेरी दृष्टि आपके दर्शन करती रहे। भगवान ने कितनी कृपा पूर्वक हमें दृष्टि प्रदान किया। श्रीमद् भागवत में कहते हैं जो इन आंखों को पा करके भगवान के दर्शन नहीं करते उनकी आंखें और मोर पंखों के आंखों में तो कोई फर्क ही नहीं है। नर अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष विधान से नारायण में लीन हो सकता है, भगवत कृपा की प्राप्ति कर सकता है। हे सुपते ते गुणान गृणीत मम बाग गृणीत, मेरी वाणी से तुम्हारे गुणों का कीर्तन होता रहे। भगवान का गुणानुवाद भगवान का कीर्तन अमृतत्व प्रदान करता है। गोपियां कहती हैं रोती हुई, कृष्ण तुमने हमें आधी रात के समय यमुना पुलिन में छोड़ करके ऐसे लोप हो गए, इससे अच्छा तो हम मर जाती, लेकिन क्या करें। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जब जब हम तुम्हें स्मरण करते हैं तुम्हारी लीला याद आ जाती है, तुम्हारी बंसी याद आती है। कृष्ण पुनः हम जीवित हो उठती हैं, हमारा जीवन तपने लगता है, कथामृत से पुनर्जागृत होकर के फिर रोने लगती हैं, हम मर भी नहीं सकते।
भगवान का जो गुणानुवाद करते हैं उनको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, उसी को देवत्व बोलते हैं। देवता लोग अमृत पान किए होते हैं। सुपते, मैं अपनी वाणी से आपका कीर्तन करता रहूं, हाथ से आपकी सेवा वाला कर्म करता रहूं, आपके दासों के दास जो मुझे आज्ञा करते रहे मैं दूर बैठ के आपकी सेवा करता रहूं। और किस प्रकार से करूं? अजात पक्षा एवं मातरम खगा, मैं आपको इस प्रकार से याद करता रहूं नारायण कि अभी चिड़िया के घोंसले में जो छोटे छोटे चोंचले होते हैं वो चोंचले जब भूख लग जाती है तो चों 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 करते रहते हैं। मादा पक्षी अपने नन्हे मुन्ने आजाद पक्ष बच्चों के लिए दाना लेकर के आती है और उनके मुख में डाल देती है, जैसे उनका पेट भर जाता है वो चों चों करना बंद कर देती है। नारायण, इस प्रकार की प्यास आपके दर्शन के लिए हमारी बनी रहे, जैसे ये आजाद पक्षी जिनके अभी पंख नहीं आए हैं जो अपने माँ के लिए रोते हैं भूख प्यास मिटाने के लिए, उसी प्रकार से हम आपके लिए रोते रहे। लेकिन भगवान, ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भूख मिटने के बाद में वो अपने माँ को नहीं पुकारते, फिर चैन से सो जाते हैं और माँ पंख फैला के उनको ढक देती है और सुला देती है। हमारी तसल्ली इतने से नहीं होगी नारायण। हे हरि, अभी नई नव प्रसूता गाय जिसका छोटा बछड़ा है जंगल में गौचारण के लिए गई होती है, शाम को रंभाती हुई दौड़ती हुई आ जाती है, उसके जड़ में दूध भरा होता है, अपने बच्चे को पिलाती है, उसका जैसे पेट भर जाता है तब भी माँ चाटती रहती है। नारायण, आपका मेरा प्रेम इस प्रकार से हो जो ये रंभाती हुई गाय आकर के बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाने के बाद में भी चाटती रहती है। ऐसे संसार से हमारा मोह खत्म होने के बाद भी आपसे कभी मोह खत्म ना हो, जिस प्रकार से गाय बछड़े को चाटती रहती है उसी प्रकार से आपसे मेरा प्रेम बना रहे। लेकिन नारायण, ये भी पर्याप्त नहीं है। प्रियम प्रिय व विषितम विषाणा, हे हरि, अभी किसी व्यक्ति की नई नई शादी हुई है, गरीब व्यक्ति था, धन कमाने के लिए परदेश चला गया, उसकी नई नवेली दुल्हन घर में इंतजार करके बैठी हुई है, रोजाना देखती है मेरे पति का कोई संदेश आए, उसके तन मन में भगवान की जगह उसका पति है, कुछ भी कर रही होती है तो सोचती है शायद अब आ रहे होंगे, अब कोई संदेश आया होगा। कई साल बाद जब पति आ जाता है तो उसका स्वागत करती है, अनेक प्रकार के व्यंजन बना के खिलाती हैं, फिर उनकी बातें जो है समाप्त नहीं होती है। उस प्रोषित भर्तृका को ये लगता है कि हमारा पति अभी आया है, कई महीने बीत जाते हैं लेकिन वो आपस में बातें करते हुए उनका प्रेम और संवर्धन को प्राप्त होता है। भगवान,
जिस प्रकार से ये प्रसिद्ध भर्तृका अपने पति के प्रेम में डूब करके समय कैसे व्यतीत हुआ समझ नहीं पाती, जब प्राचीन समय में विद्या की इतनी सुलभ व्यवस्था नहीं थी तो लोग पढ़ने के लिए काशी जाया करते थे। कई लोग तो विवाहों परांत तो काशी जाया करते थे। ऐसे ही एक विद्यार्थी विवाह करके घर में अपने पति को छोड़ करके काशी चला गया। प्रतिपदा की छुट्टी होती थी और द्वादशी के बाद में त्रयोदशी से प्रतिपदा तक छुट्टी होती थी, तो त्रयोदशी को घर आ जाता, फिर द्वितीया को चला जाता। घर आने की खुशी तो उस बहू को बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन पति का जाने का दुख भी उतना ही होता था। तो वो कहती है, मातर त्रयोदशी व्रतम कुलपाली काशी भूयस्त पंच दस पंच दिनानि भूया। हे काशी की कुल देवी, ये त्रयोदशी व्रत जो है काशी में 15 दिन तक रहे, जिस दिन मेरा पति घर आता, और ये निर्दय द्वितीया जिस दिन जो मेरा पति काशी चला जाता है, ऐसी द्वितीया कभी भी काशी में ना आए। तो प्रसिद्ध भर्तृका के तरह भगवान आपसे मेरा प्रेम बना रहे और मैं निरंतर आपसे प्रेम करता रहूं। हे भगवान, हे सुपते, मैं आपके गुणगान गाता रहूं और अनेक जन्म में संसार में मैं जहाँ जहाँ भी पैदा हूँ आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे और मैं आपके गुण गाता रहूं, इन पैरों से चल करके आपके मंदिर तक आऊं और हाथों से आपके मंदिर की सेवा करूं, नेत्रों से मैं आपका दर्शन करूं। इस प्रकार वृत्रासुर देवासुर संग्राम के बीच में इंद्र के सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करता है, भगवान की कृपा से उसको सद्गति मिल जाती है। तो भगवान से प्रेम हमें सुख दुख की परवाह किए बिना, समय की परवाह किए बिना वृत्रासुर के तरह करना चाहिए। ये भक्ति ही जब हृदय पटल पे विराजमान हो जाती है, तो भक्ति विराजमान होने के बाद में फिर भक्ति के द्वारा अज्ञान के अंधकार मोह अपने आप स्वतः नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य की किरण पृथ्वी में आने पर अंधेरा स्वतः नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से भक्ति हृदय में विराजमान होने पर अपने जीवन से दुख दूर हो जाता है। वृंदावन में जब भक्ति आ जाती है तो ये वृंदावन ऐसी चिन्मय भूमि है, यहाँ भक्ति लोटपोट करती है आकर के और गाती है, नाचती है और रज रज उड़ती है। भक्ति से भी बढ़ करके ब्रज में चलने का महत्व है। भक्ति महारानी जब वृंदावन आई थी तो उछलती हुई गा रही है, मैं तो आई वृंदावन धाम रे किशोरी तेरे चरण में, मैं तो आई तेरे।
पुष्पांजलि को यहीं समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण गो